राजन अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्र जिनको प्राप्त है वो कितने दुखी हैं। मर गया तो बात नहीं मानी तो, और अगर अनुकूल ही हो गया तो, प्रतिकूल हो गया तो रो, अनुकूल हो गया तो फंसो। कुछ गुरुदेव ने रहुआ जी यहाँ थे ना, वो किसी को कुछ पूछते नहीं थे, कौन हो क्या हो, मतलब कितने बेटे हैं बेटी कुछ नहीं पूछते ना, भोजन किया ये सब कुछ पूछते नहीं, तो अपनी दुनिया थी। तो रहुआ जी को एक बार पूछ दिया रामेश्वर प्रसाद सिंह जो रहते थे, कितने बेटे हैं, इन्होंने बता दिया। अब महापुरुषों की भाषा जल्दी समझ में आ गए तो कठिन है, बाद में उनको समझ में आ गई। पूज्य गुरुदेव ने पूछा कि देखो पिताजी, ये थाल में भोजन है, आरोगिए, कृपा कीजिए, आप पहले पाएंगे तब हम लोग पाएंगे। बहुत सत्कार पूर्वक हाथ जोड़कर बढ़िया से बढ़िया भोजन थाल में परोस के दो, दे, समझना पुण्य का फल है। और सामने आई हुई थाल भी घसीट के ले जाए और दो मंगलाचरण भी कर दे, समझो महापुण्य का फल है। कहाँ लिखा है? पंचदशी। पुण्य का फल स्वर्ग है, महापुण्य का फल वैराग्य है। क्या पुण्य लोग है या महापुण्य है? पुण्य का फल है अनुकूल परिस्थिति लौकिक पारलौकिक, महापुण्य का फल क्या है? वैराग्य। उन्होंने कहा सामने आई भी रोटी भी छीन ले, समझ लेना महापुण्य का फल है। रहुआ जी ने मुंह लटका दिया, तो पाप का फल हुआ ना कि बेटे ऐसे हुए। महाराज ने कहा महापुण्य का फल है, सामने वाला व्यक्ति वैराग्य के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है, ये पुण्य का फल है या महापुण्य का? जब कोई अपने विवेक की प्रगल्भता से वैराग्य नहीं प्राप्त कर पाता, मंद विवेक होता है, तब प्रतिकूल परिस्थिति उसको विरक्त बनाने के लिए बाध्य करती है। अब तुमने समझ लिया? फिर क्या कहा? एवं दारा गृहारायो विभुधैश्वर्य संपदा, पुत्र की दशा तो तुम ही देख ही ली, अभी तो राजा को मालूम नहीं कि तद्वितीय ज्येष्ठा श्रेष्ठा रानी के अतिरिक्त जो रानियाँ थी सबने आपस में मंत्रणा करके कि हम तो निपुती रह गई, संतानहीन रह गई, पति से उपेक्षित हो गई, सबने बच्चे के दूध में भोजन में पेय पदार्थ में या अन्न में विष मिला दिया था, अभी तो राजा को पता ही नहीं। ये सब घड़ियाली आंसू बहाने वाली जो दूसरी पत्नियां हैं मेरी पत्नी की सौतें, इनकी करतूत है बाहर से कि हमारा बच्चा समय में दम तोड़ गया, अभी राजा को पता नहीं, रानी को भी पता नहीं। इसका नाम है घड़ियाली आंसू, भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष में लिखा है घड़ियाली आंसू। घड़ियाल नकली रोना जानता है, इसका नाम है घड़ियाली आंसू। वो रानियाँ भी मुख्य रानी के हम हाँ मिलाकर ऐसे खूब रो रही थी, छाती पीट रही थी। हमने दक्षिण भारत में देखा, एक दिन बताया भी था, वहाँ पहले जब 72-71 में पैदल यात्रा कर रहा था, मरने पर भी किसी के मरने पर भी शोक नहीं होता था, तो वहाँ किराए पर रोने वाले छाती पीटने वाले बुलाए जाते थे, श्मशान तक वो छाती पीटते हुए रोने का अभिनय करते हुए जाते थे। हमने एक दो शब के पीछे ऐसे रोने वालों को देखा। अब वो दक्षिण भारत का नक्शा ही बदल गया, अब तो कोई मरे अपने बुढ़ापे में, सिनेमा का एक्टर कहीं मुख्यमंत्री बन जाए और कोई मारे नहीं, अपनी मौत से मरे 80-85-90 साल में, तो अभी उसके नाम पर 250-60-40 व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, जयललिता के नाम पर, करुणानिधि के नाम पर, ऐसा विकट भावुकता का साम्राज्य युवकों में दक्षिण में है, कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या संकेत किया?
संकेत यह किया कि घड़ियाली आंसू बहाने वाली देवियों की करतूत का तो पता नहीं कि बेटा जो मरा है उसमें निमित्त तो तुम्हारी इतर पत्नियां ही हैं। आखिर स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्ति और शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब की गाथा यही है। सेना, पृथ्वी, खजाना, सेवक, अमात्य, मंत्री, साहब सब के सब अनित्य हैं राजन। इसलिए परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म का फल कृतक अवश्य अनित्य होता है। जो कृतक है वो अनित्य है। सबसे उपराम होकर सृष्टि की संरचना के प्रयोजन को समझकर जीवनधन जगदीश्वर की प्राप्ति का वानक बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में यह चेद अवेदी दथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि केनोपनिषद। देहत्याग के अव्यवहित पूर्व क्षण पर्यंत कदाचित भगवत स्वरूप आत्म तत्व को जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ। देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण पर्यंत कदाचित भगवत स्वरूप आत्म तत्व को नहीं जाना महति विनष्टि ही। तो फिर जीवन किसका सार्थक है? इस श्रुति का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया किया है। यही वित्यर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। जिनका मन सकल विषम और सदोष अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परब्रह्म परमात्मा में सन्निहित हो गया। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हर हर महादेव। मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पीते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यकन्ता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमालिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ शिवाय नमः। शिवलिङ्गाय नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाद्वयः शंभो शिव 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 नारायण 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 भारत इन दिनों उतना जागरूक देश नहीं है जितना कि पाश्चात्य जगत। लगभग 10-12 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मूर्धन्य गणितज्ञ पुरी में मुझसे मिलने की भावना से आए। उन दिनों वेबसाइट के माध्यम से कोई प्रचार प्रसार मटका था ही नहीं। उन्होंने 90-90-90-30 चार बैठक में इतना समय हमसे लिया। 90 मिनट 90 मिनट 90 मिनट 30 मिनट और गणित पर ही प्रश्न किया। वो क्या प्रश्न करेंगे मुझे पहले से कुछ पता नहीं था। पंडे पुजारियों को पता चला कि कई होटल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मूर्धन्य गणितज्ञ पूरी पीठ में गणित को लेकर पहली सुलझाने आए हैं। वे उनके पास आए कि समीप में कोणार्क है उसका दर्शन कर लीजिए। उन्होंने कहा यह मेरी यात्रा भारत भ्रमण के उद्देश्य से नहीं है, श्री शंकराचार्य से मिलने की भावना से है। जब कभी भारत भ्रमण की भावना से मैं आऊँगा तब इन सब दर्शनीय स्थानों का दर्शन करूँगा। दोबारा भी वे यहाँ पर आए। लगभग 45 मिनटों तक गणित को लेकर उन्होंने मुझसे बात की। उनके प्रश्न तो 4-5 वाक्यों में ही थे, उत्तर देने में लगभग 40 मिनट के समय लगे। इससे सिद्ध होता है कि अच्छा उन दिनों मेरे गणित का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं जिसका अंग्रेजी में अनुवाद सुलभ रहा हो, फिर भी वो लोग इतने टोही होते हैं कि यहाँ आ गए। उनकी टिप्पणी है मेरी नहीं कि विश्व में यदि 1% गणित है तो गोवर्धन मठ पुरी में 100% गणित। कलाम जी जो राष्ट्रपति रहे हैं उनको भी इसका पता था, भारत के प्रधानमंत्री जी को भी पता है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी आदि को भी पता है, लेकिन सनातनी वैदिक के पास कोई अद्भुत ज्ञान विज्ञान भी हो और विशेषकर वह किसी राजनीतिक दल का गुप्त या प्रकट प्रचारक न हो तो भारत में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह
उस ज्ञान विज्ञान को ले सके या उसके लिए दो शब्द भी बोल सके, यह स्थिति है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मूर्धन्य गणितज्ञ भी यहाँ दो दो बार कई साल पहले आ चुके हैं। तो यह एक विचित्र बात है कि भारत की मेधा शक्ति अभी कितनी भी उच्च हो, लेकिन शासन तंत्र और सामाजिक तंत्र इतना सुप्त है कि उसे उस मेधा शक्ति के उपयोग करने की क्षमता ही प्राप्त नहीं है। अब मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं संभवतः बम्बई की बात होगी या किसी और शहर की, भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान जो है वहाँ मेरा प्रवचन विज्ञान पर हो रहा था। उस संस्थान के कुलपति तो थे ही जो कश्मीर के थे, लेकिन वहाँ वे दक्षिण के शर्मा जी मेरे बगल में बैठकर सुन रहे थे। 1 घंटे 50 मिनट का विज्ञान पर मेरा प्रवचन था। वो शर्मा जी जिन्होंने 15 महीने की अवधि में ही मंगलयान पर मंगल ग्रह पर यान भेजा था, जिन्होंने मंगल ग्रह पर यान भेजा था वे भी श्रोता थे, बहुत प्रमुदित हो रहे थे। यहाँ तक कि वे हमको रात्रि में स्टेशन पहुँचाने गए पैदल चल करके। ऑटो बैठे थे उसको भी उन्होंने सहयोग करके हमको चलाया। जब हम ट्रेन में बैठ गए तब लौटे। भारत में विशेषकर जो धार्मिक जगत से संबद्ध व्यक्ति हैं उनमें तो कोई चेतना परिलक्षित नहीं होती है, ये कमी हम लोगों की है। लेकिन हमारे पीसी झा जी ने कोलकाता के हाईकोर्ट के पूर्व एडवोकेट, अपने ढंग का उनका प्रशिक्षण है, हमारा पूरा प्रशिक्षण उन्हें गले उनके गले से नीचे नहीं उतरता, क्योंकि बचपन से जिस ढांचे में सांचे में ढले हैं उसको दूर करना कठिन है। लेकिन भारत के संभवतः 1-2 शिक्षण संस्थान हों वैज्ञानिक जहाँ अब तक हम न गए हों। 2 साल की अवधि में इसरो आदि सब जगह 500, 600, 600, 1100, 2200 वैज्ञानिकों के बीच में प्रवचन हुआ है। जहाँ मिसाइलें बनती हैं उड़ीसा में, वहाँ टुल्लू आचार्य जी ने हमारा प्रवचन रखा था। भाभा वैज्ञानिक संस्थान में परमाणुवाद पर ही प्रवचन हुआ था। मैं एक संकेत करता हूँ कि गुरु ग्रंथ और गोविंद का आलम्बन लेने पर ज्ञान विज्ञान प्रकट होता है, लेकिन इस बात को लेकर वेदना अवश्य है कि भारत में अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति के सदुपयोग की भावना ही नहीं है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति पर्याप्त है, दूसरे देश इससे लाभ उठा लेते हैं। भारत में वो क्षमता नहीं है। यहाँ की मेधा शक्ति भारत में ही विदेशी कंपनी में बिक जाती है या विदेशों में जाकर विदेशी कंपनी में बिकती है। भगवान इस देश की रक्षा करें। रही बात झारखंड आदि की बात, तो कार्य करने के बहुत ढंग होते हैं। अभी बंगाल का एक शिष्टमंडल आया था, 4-5 व्यक्तियों का, एक राज्यपाल आने वाले थे दूसरे प्रांत के, वो बीमार पड़ गए इसलिए नहीं आ पाए। बंगाल की स्थिति पर चर्चा हुई, राष्ट्र की स्थिति पर चर्चा हुई। अब वो तो क्रीम थे बंगाल के, अंदर ही अंदर बहुत से प्रांतों में व्यू की रचना होती है। लेकिन शिष्टमंडल के सदस्यों से मैंने कहा कि भूल हमारी है, उस भूल को हम समझते हैं, अब ऐसा राज्य ध्यान देंगे।
सौ वर्ष हो गए लगभग। यहाँ के मान्य शंकराचार्य एक से एक विद्वान तपस्वी मेधावी रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने जो इस मठ का क्षेत्र दिया, उसमें नेपाल भी है, भूटान भी है, वर्मा भी है, आजकल की दृष्टि से बांग्लादेश भी है, और ये सब प्रांत की दृष्टि से झारखंड है, बिहार है, आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, जो भगवान शंकराचार्य के द्वारा दिया हुआ क्षेत्र था उसी से शंकराचार्य का संबंध टूट गया। उड़ीसा से भी संपर्क श्री मधुसूदन तीर्थ जी के बाद नहीं रहा, क्योंकि शंकराचार्य बुलाने पर जाने लगे तो जहाँ पर रामायण भागवत गीता के उत्सव होते वहीं वो बुलाए जाते। जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया वो तो दक्षिण भारत के थे, प्रायः दक्षिण में अधिक कार्यक्रम उनका होता था। हमसे पूर्वाचार्य महाभाग औदीच्य ब्राह्मण कुल के थे, गुजरात परंपरा के, लेकिन लालन पालन के दृष्टि से राजस्थानी थे। राजस्थानी से साहूकार जहाँ बुलाते वहाँ जाते, तो दिल्ली आदि क्षेत्रों में, राजस्थान क्षेत्र में वो जाते थे, उड़ीसा और बंगाल आदि का अपना क्षेत्र छूट गया। तो भले ही कोई उलाना ना दे, लोगों को मालूम ही नहीं है तो उलाना क्या दे, लेकिन हमारा मन हमको कोसता है कि अपने क्षेत्र में ही दुर्दशा हो गई। क्या अगर अपने क्षेत्र को भी संभाला होता तो आज बांग्लादेश नहीं, पृथक राष्ट्र नहीं होता, या फिर बंगाल अब भी टूटने की स्थिति में है, वो मुझे मालूम है। तो ये सब स्थितियाँ हुई कि बुलाने पर जाने से काम बिगड़ गया। अतः हमने इस पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद सबसे पहला निर्णय लिया, हम अपनी ओर से क्षेत्र तैयार करके कार्यक्रम बनाएंगे। हम किसी के बुलाने पर नहीं जाते, हम अपनी ओर से क्षेत्र तैयार करके कार्यक्रम बनाते हैं, तब धीरे धीरे अपने क्षेत्र की ओर भी बढ़ रहे हैं, और जो शंकराचार्यों के मान्य क्षेत्र हैं उनमें भी हम जाते हैं। झारखंड आदि में माध्यम ठीक से नहीं मिले, माध्यम दो तीन ढंग के होते हैं। एक माध्यम वो होते हैं जो दूसरों पर झूठ बोल के प्रभावते हैं, उनका प्रभाव स्थायी नहीं होता। दूसरे माध्यम वो होते हैं कि जैसे कोई खुराना आदि थे, चुनाव जीतने की पुरानी प्रक्रिया का उनको ज्ञान था, नई प्रक्रिया का नहीं, उनको प्रचारक बना दिया जाता तो कुछ भी सफलता नहीं मिलती। तो वर्तमान में सत्य बोल के वस्तु स्थिति को रख कर के प्रचार की विधा का जिनको ज्ञान नहीं है, जैसे हमारे चंद्रभूषण पाठक जी, वो व्यक्ति को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके बोलने की प्रभाव डालने की विधा अलग है, उससे आजकल कोई प्रभावित नहीं होता। निमाई जी थे, उन्होंने सोचा था कि वो भागवत कथा कहते रहेंगे, उनके बुलाने पर हम जाएंगे, 7,000-8,000 श्रोता होंगे, अपने आप मठ के साथ जुड़ेंगे, ना उनके साथ जुड़े ना हमारे साथ जुड़े, उनको जोड़ने की क्षमता ही नहीं है। तो जोड़ने की कला भी फिर सीखने की आवश्यकता होती है कि सत्य को स्थान देकर तो किसी प्रांत में प्रवेश करने के लिए स्वस्थ व्यूहरचना की क्या आवश्यकता है। जहाँ हम, एक विचित्र बात है, जहाँ हम कुछ भी नहीं गिने जाते, इसका मतलब हमारा, हमारे मठ का या हमारा प्रचार प्रसार नहीं है, वहाँ भी हमारा घर है। जैसे पूरा बंगाल कैसे आ गया मेरे पास प्रतिनिधि के रूप में कि आप ही बचा सकते हैं, बचाने वाले भगवान, त्रिपुरा के तक के राज्यपाल आदि सब कैसे चिंतित हैं इन सब क्षेत्रों को लेकर, उन्होंने प्रतिनिधियों को कैसे भेजा। ऐसा भी होता है कि बाहर से प्रचार नहीं दिखता लेकिन अंदर से बहुत बड़ा प्रचार होता है। हमने एक संकेत किया आपको, एक गुप्त बात है, लेकिन वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब एक संत को मेरे पास भेजा,
मेरी दृष्टि में उत्तर प्रदेश में आज भी मेरा प्रवेश नहीं के बराबर है, क्योंकि माध्यम ठीक से नहीं मिला। क्षेत्रीय स्तर का माध्यम भी कम मिला, पूरे प्रांतीय स्तर का माध्यम तो नहीं मिला। लेकिन वाजपेयी जी ने उस संत को भेजा कि एक बार थोड़ी सी हमारी ओर दृष्टि कर दें, पूरी के शंकराचार्य उत्तर प्रदेश को संकेत कर दें, उनके अनुयायी अगर भाजपा को वोट दे देंगे तो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाने पर केंद्र हमारा मजबूत रहे। हम हंसे और हमने संत जी से कहा कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके पास गुप्तचर नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में तो 1% भी हमारा प्रवेश नहीं है, अगर 70% भी प्रवेश होता तो हम किसी राजनीतिक दल को वोट देने की किसी को प्रेरणा नहीं देते। हमारे पास जितेंद्र जी आदि हैं, आज तक हमने नहीं पूछा किस पार्टी को किसको वोट देते हो, हमारा स्वभाव ही नहीं है। फिर वाजपेयी जी ने संकेत करवाया कि आपको पता हो या ना पता हो, हमको पता है, समझ गए, और आपको हमने ये अभय सराफ जी बोले इसलिए एक और भी रहस्य बताते हैं। पहले वहाँ बरामदे में पूर्वाचार्य जी के रसोई घर में रहता था ना, देखा हो, वहाँ भारत के गुप्तचर विभाग के सबसे प्रमुख व्यक्ति मेरे पास आए, पुरी के केंद्रीय गुप्तचर विभाग के व्यक्ति को भी अपने पास बैठने नहीं दिया, कहा दूर बैठो। उन्होंने एक विचित्र बात कही कि महाराज नरसिंह राव की सरकार दोबारा क्यों नहीं बन पाई, कांग्रेस क्यों हारी। हमने कहा मुझे क्या मालूम। उन्होंने एक गुप्त रहस्य बताया कि नरसिंह राव ने हमसे परामर्श लिया कि अभी पार्लियामेंट को चुनाव की अवधि के पहले ही तोड़ दें तो कांग्रेस विजय को प्राप्त करेगी या नहीं। हमने बीरो विभाग की ओर से सब पता लगाकर उनको कहा कि जीत जाएगी कांग्रेस, नरसिंह राव को मैंने धोखा नहीं दिया, नरसिंह राव हम पर विश्वास करते थे, लेकिन पार्लियामेंट को तोड़कर चुनाव की तिथि भी उद्घोषित कर दी गई। 15 दिन बाद मैंने उत्तर विभाग में कहा, रिपोर्ट दी कि कांग्रेस हार जाएगी। नरसिंह राव ने कहा 15 दिन पहले आपकी भावना थी, रिपोर्ट थी कि जीत जाएगी, अब हार क्यों जाएगी? क्योंकि रामालय तट पर पुरी के शंकराचार्य ने हस्ताक्षर नहीं किया, उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले संत आचार्यों के साथ मिलकर के आपने जो उनको यातना देनी प्रारंभ की, भले ही वे यातना सह रहे हों, परंतु पूरे विश्व का बुद्धिजीवी समाज इतना कुपित है कि हरा के आपको रहेगा हो गए।